हे गौरी शंकर अर्धांगिनी, यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभम। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। सृष्टि के पालनहार भगवान शंकर और उनकी अर्धांगिनी माँ गौरी, जिनके शांत और पवित्र स्वरूप के दर्शन मात्र से ही मन का रोम रोम पावन हो जाता है। यूं तो देश के हर कोने में शिव पार्वती के मंदिर विद्यमान हैं, लेकिन बात अगर दिल्ली शहर की करें तो यहाँ भगवान शंकर और माँ गौरी का बेहद प्रसिद्ध मंदिर है गौरी शंकर मंदिर। गौरी शंकर मंदिर दिल्ली शहर की प्राचीन धरोहरों में से एक माना जाता है। यहाँ सालों भर सर्वधर्म और सद्भाव की अमृत गंगा बहती है। खूबसूरत संगमरमर के पत्थरों से बना ये मंदिर हिंदुओं के लिए आस्था और उपासना का केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में कई बड़े राजा महाराजाओं ने भी पूजा अर्चना की थी। प्रारंभ में जैसे मंदिर के इतिहास की बात करते हैं तो यहाँ 5 पीपल के पेड़ थे जिनके नीचे शिवलिंग था। उस शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ है, किसी के द्वारा स्थापित नहीं है। यहाँ पर समय समय पर आकर सभी ने पूजा करी, जिनमें महाराज युधिष्ठिर भी पूजा करके गए हैं। शास्त्रों में शिव और शक्ति को एक दूसरे का प्रतीक माना गया है। शिव शक्ति के बल पर तो शक्ति शिव के सहारे अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। इसलिए जगत की संरचना और इसके पालन में स्त्री पुरुष के योगदान और महत्व को उजागर करने वाला शिव शक्ति चरित्र से जुड़ा अर्धनारीश्वर रूप जगत प्रसिद्ध और पूजनीय है। यही वजह है कि अपने विवाहित जीवन को सुखमय बनाने के लिए भक्त गौरी शंकर मंदिर में भाव और समर्पण से शिव शक्ति की पूजा करते हैं। ये तो बड़ी कहते हैं दिल्ली शहर का प्रतिष्ठित 600 वर्ष प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग विग्रह हैं, भगवान की पूजा है, अर्चना है। बाबा गौरी शंकर को लीजिए, सबसे पहले आप देखिए कि मैया पार्वती और बाबा भोलेनाथ हैं। ऐसी दुर्लभ मूर्ति आपको कहीं संसार में नहीं मिलेगी। इसमें दो रूप हैं कि बाबा समाधिस्थ हैं, पद्मासन लगाए बैठे हैं, और मैया पार्वती उनकी स्तुति कर रही हैं, तो वो खड़ी हैं। तो जिन लोगों को नहीं ज्ञात है उनको बताएं कि ये कारण क्या है कि मैया ने वरदान मांगा भोले बाबा से कि आप बाबा जैसे आपके दर पे आते हैं, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, तो मेरी मनोकामना भी पूर्ण कीजिए, मुझे जन्म जन्मांतर आपके चरणों में जगह मिल जाए, मैं आपकी चरणदासी बनी रहूं। तो वही स्वरूप यहाँ है। यूँ तो हर सोमवार यहाँ शिव पार्वती के दर्शन करके पुण्य कमाने की होड़ लगी रहती है, लेकिन श्रावण मास, शिवरात्रि और नवरात्र जैसे पावन उत्सवों में गौरी शंकर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ और उनका जोश देखते ही बनता है। इस मंदिर को कामना सिद्धि का द्वार भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ आस्था और विश्वास से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। खासकर दांपत्य जीवन में सुख शांति और संतान सुख के लिए इस मंदिर का खास महत्व माना गया है। व्यक्ति के जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का अपना अलग ही महत्व है। ऐसे में शिव शक्ति का स्वरूप मनुष्य को इन 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति कराता है। गौरी शंकर मंदिर भी इसी परम सुख को प्राप्त करने का पावन स्थान है।